गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ओके, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था। ओके, एंड आपको मैंने उसका रिवीजन भी करवा दिया है। ओके, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, पेज नंबर 20। ओके, इन पेज नंबर 20, चैप्टर नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। सो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3-digit numbers। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3-digit numbers। सो लेट्स सी हाउ टू मल्टीप्लाई 3-digit numbers। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका कुछ एग्जांपल दिया है यहाँ पर, तो देखेंगे एग्जांपल को हम। एग्जांपल में आपका क्या लिखा है, देखिए आपका एग्जांपल क्या है। ये देखिए आपका एग्जांपल है, ये आपका एग्जांपल एक दिया गया है, तो देखिए आपको इसमें कैसे उन्होंने सॉल्व किया है, यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया है। ओके, तो ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर है आपका, इसको देखिए कैसे सॉल्व किया है। आपको करना क्या होता है, क्या करना होता है आपको, देखिए पहले आपको क्या करना होता है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है, आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, इस नंबर से। किससे मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले नंबर को। ओके, इन दो नंबर्स को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखेंगे आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको करना क्या है, पहले आप लगाएंगे जो आपकी जो आपका ये जो नंबर है, ये देखिए आप, ये जो आपका नंबर है, कौन सा नंबर, ये वाला नंबर। ओके, ये जो नंबर है आपका, सबसे पहले आप इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। कौन से नंबर्स को, कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर्स को। ठीक है, ये नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए आप 7 की टेबल पढ़ेंगे 3 times। क्या पढ़ेंगे, 7 की टेबल पढ़ेंगे 3 times। तो 7 3 क्या होता है, 7 3 क्या होता है, 21। क्या होता है, 21। तो आपको करना क्या है, आपको 21 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, 21 नहीं लिखना है आपको, आपको ओनली 1 लिखना है। क्या लिखना है, ओनली 1। ओके, तो आप 1 लिख देंगे और आपका 2 जो होगा वो ऊपर कैरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैरी। ओके, तो आप देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा आपका ये। ओके, ये आपका 2 कैरी हो जाएगा। फिर आप देखिए क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट आपका है वो क्या है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका क्या है, आप 7 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, 7 मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 से। तो आप देखिए 7 मल्टीप्लाई किया आपने किससे, 6 से। तो 7 6 क्या होता है, 42। क्या होता है, 42। तो आपकी जो यहाँ पर कैरी थी, ये जो कैरी थी उसको भी आपको 42 में क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 को भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 44। क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ओके, 44 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए इसका जो आपको लिखना है 44 का आपको पूरा 44 नहीं लिखना है, ओनली आपको 4 लिखना है, और 4 को आपको क्या करना है, यहाँ पर कैरी करना है। ओके, कैरी करना। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से, ठीक है, तो आपने यहाँ 1 लिखा, आपने क्या किया, यहाँ पर 1 लिख दिया, ये आपने 1 लिख दिया। ओके, और यहाँ पर आपने 2 कैरी लगाई थी, क्या लगाई थी, 2 कैरी लगाई थी, तो यहाँ पर हमने 2 कैरी लगा दी। ओके, और यहाँ पर 44 आया था तो उसका 4 लिख दिया, और यहाँ कैरी कितनी आ गई, 4 आ गई। ओके, तो आप देखिए इसमें भी हम फिर 7 हम किससे पढ़ेंगे, 9 से। ओके, 7 का हम किससे पढ़ेंगे, 9 से। तो 7 9 क्या होता है, 63। क्या होता है, 63। तो ओनली हम 3 लिखेंगे, और 3 में पहले 63 में हमें क्या करना है, पहले हमें 63 में कैरी को ऐड करना है। क्या करना है, कैरी ऐड करना है। ठीक है, तो ये जो कैरी आपकी लिखी हुई है, ये जो कैरी लिखी हुई है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अब क्या बन जाएगा, 67 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 67। ओके,
ये आपका 67 बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फिर 67 को आप 7 लिखेंगे और आप क्या लिखेंगे, 7 आप लिखेंगे, लेकिन आप 6 को क्या करेंगे, पूरा 67 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, लास्ट में अपन पूरा लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 67 आपका लिखा है, ओके। देन आप फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में आप क्या करते हैं, 0 को लगाते हैं और फिर आप 4 से पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो नंबर है आपका, उससे आप क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर से आप क्या करते हैं, इस वाले नंबर से अब आप क्या करेंगे, इस वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस नंबर से अब आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो इसको मल्टीप्लाई करिए आप, ओके। मल्टीप्लाई करना है कहाँ से, स्टार्ट करना है आपको ये 3 नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो आप देखिए कैसे करेंगे मल्टीप्लाई इसको, फिर 4 3 क्या होता है 12, तो आपने 2 लिख दिया यहाँ पर, देखिए ये 2 लिख दिया आपने, ये लिख दिया आपने 2, और फिर आपने कैरी यहाँ पर लगा दिया होगा 1, क्या लगा दिया होगा, कैरी यहाँ पर 1 लगा दिया होगा, ओके। इस तरीके से आपने ये 1 लगा दिया कैरी, ठीक है, तो आपने ये कैरी 1 लगा दिया। फिर आप इसी तरीके से सारे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और फिर बाद में आप क्या करते हैं, बाद में जो पूरी डिजिट होती है, ये जो सारी डिजिट आती है मल्टीप्लाई करने के बाद, आप उसको क्या करते हैं, उन सबको आप क्या कर देते हैं, प्लस, क्या कर देते हैं, प्लस, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है, ओके। तो आप इसी तरीके से होमवर्क में मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 है, तो आप उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होमवर्क में करके लाएंगे, ओके। क्या करके लाएंगे, होमवर्क में करके लाएंगे, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ओके। तो देख लीजिए आपका ये होमवर्क है, ये 2 आपको क्वेश्चन करने हैं होमवर्क में, ओके। फिर बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में बना रहूँगी, ओके। थैंक यू सो मच।